जहांगीराबाद संभाग के सीएसपी अलीम खान से मुलाकात कर आल मंसूरी समाज सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ मसूद फैंस क्लब के जावेद मंसूरी और उनकी टीम ने ईद की मुबारकबाद दी और बताया कि सीएसपी अलीम खान एक नेक दिल इंसान है। हम आपको लोगों की मदद करते हैं और आपके द्वारा पूरे जहांगीराबाद इलाके में जिस तरह सुकून से कर्फ्यू का पालन कराए जाने पर अलीम खान साहब का सम्मान किया और अलीम खान की तंदुरुस्ती की दुआ की। इस अवसर पर सैयद उनेज हुसैन, एडवोकेट इमरान खान, फरदीन खान, इमरान मंसूरी मौजूद रहे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जो मंसूरी समाज से जावेद मंसूरी द्वारा जो कार्य किए जा रहा है उनके किस तरह देखते हैं आप? ठीक है, मेरे को यहाँ तैनात हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्फा हो गया है और इस दौरान जो है मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि जावेद मंसूरी साहब की जो टीम है ये पूरी की पूरी टीम जो है आपकी उनके साथ मिलकर जो है कौम के लिए, माशरे के लिए और किसी भी समाज का वो बंदा हो अगर उसको किसी तरह की ज़रूरत है या परेशानी है तो आप फौरन अपनी टीम के साथ हाजिर हो जाते हैं और उसकी जो मदद होती है उसकी मदद करते हैं। साथ ही साथ माशरे कौम के लिए भी जो है लोगों में जो है जागरूकता पैदा कर रहे हैं, लोग जो है पढ़ाई लिखाई तरफ ध्यान दें इसके लिए भी जो है आप काम कर रहे हैं। जहाँ कमज़ोर बच्चे हैं उनके पढ़ाने के लिए भी जो है मैं आपसे और दरख्वास्त करूँगा कि हमारे माशरे में जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, कमज़ोर तबके के हैं, तो उनके लिए भी आप अगर आप अलग से कोई एक योजना चलाएं तो वो बड़ा नेक काम होगा क्योंकि खिदमत खल्क आप जो कर रहे हैं इसका सिला आपको यहाँ शायद नहीं मिलेगा लेकिन ऊपर वाले के यहाँ आपको आपकी पूरी टीम को जो है उसका जो है सिला ऊपर वाले तरफ से मिलेगा। तो यही आपसे गुजारिश है आप जो कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पास से अपने पैसे से ये सब करते हैं। बहुत सारे NGOs ऐसे हैं जिनको शासन से या गवर्नमेंट से मदद मिलती है उसके बाद वो लोग मदद करते हैं लेकिन आप अपने पास से ही मदद कर रहे हैं, ये बड़ा नेक काम है, बहुत बड़ा काम है और आगे भी इंशाल्लाह ताला आप करते रहेंगे। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपको और आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला तौफीक दे। शुक्रिया, थैंक यू। शहर के लोगों को कोरोना काल में क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहर के लोगों के लिए यही जो पहले सभी गाइडलाइन बहुत पुरानी हो गई अब तो और सभी तकनीक इससे वाकिफ हो गए, फिर भी जो लोग अभी जिनको नई इल्म है जिनको नहीं पता है वो इसका ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें, अपने घर में बच्चों से बातचीत करें, घर में बैठें, जो बाहर लोग निकल जाते हैं उसकी बजाय घर में बैठें और